सात जात के पता चल गया, सब जात है धरती पर, एक नंबर जात है, बाकी बीन बेलदार के नाम अभी तक पता चला। बंगाल में चल जाइए आरक्षण है, दिल्ली में चल जाइए आरक्षण है, बाकी बिहार में आरक्षण नहीं है। जो गाना गीत संगीत हो रहा है उसपे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इधर लोग कम है। तो लोग कहाँ कहाँ है, बहुत है लोग है, देखिए आप दिखाइएगा तो ना वीडियो में। पैरेलल चल रहा है, अभी देखिए वहाँ पे चल रहा है, ढोल बज रहा है। लोग का अपना काम वो भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं ठीक। जो तो ठग जो सब ठगता है ब्राह्मण पंडित सब पूजा के नाम पर, वो तो गलत है ना। स्टेशन पर जाइएगा तो बांध देता है जान, अलाव पैसा तो बांध के। यहाँ पर वो नहीं हो रहा, अपना आस्था से वो कर रहा है, कोई मजबूरी नहीं है, कुछ को ठग नहीं रहा है, जिसको इच्छा से कर रहा नहीं ऐसे नहीं करेगा। ये बात चढ़ावा जो इस इच्छा से दे रहा है ना, कोई जबरदस्ती नहीं है ना, कोई कह रहा है कि तुम जबरदस्ती करो। जरूरी है भगवान का नाम लेना जरूरी है, शिक्षा का नाम लेना जरूरी है। भगवान को मना नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पर अजीब ढोल बजाया जा रहा है, लोग जो गाना गा रहा है, जो विधि है भगवान की पूजा करने वो लोग कर रहे हैं अपना। बीन समुदाय के आरक्षण के बात करेगा, हम उसके साथ हैं। अभी पद यात्रा किए थे मदन स्वामी, उनको डर लगता है कि अगर बात रखेंगे तो हम लोग को जो पद छीन लिया जाएगा। पद का डर लगता है, पद जाने का। हाँ, पद डर लगता है जाने का। पटना के गांधी मैदान में इस वक्त मौजूद है और आप देख सकते हैं तस्वीरें कि बिंद बेलदार चेतना दिवस के रूप में यहाँ पर एक आयोजन बुलाया गया है। इसमें पूरे बिहार भर से और उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोग आए हैं, बिंद बेलदार समाज के जो लोग हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। साथियों, यहाँ पे बीन बेलदार समाज के हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। नाम क्या है? मेरा नाम जन्मेजय कुमार है, हाजीपुर मेरा घर है। हम आए हैं, मतलब मेरा संगठन है बिंद बेलदार समाज है, केवट का भी है, सबका समाज है। तो हम लोग अपने मतलब जो हम लोग को जो आरक्षण मिला है ना, ओबीसी है या कुछ भी है या ईबीसी में रख दिया गया, तो हम लोग को उस आरक्षण का फायदा नहीं मिला है। हम लोग शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, लोग 2700 जाति है ओबीसी में ठीक ना, उसमें से लगभग मुश्किल से 99% से ज़्यादा है ना जो जाति है ना ओबीसी में, उसको आरक्षण नहीं मिला है, उसको फायदा नहीं मिला है आरक्षण का। अपने अधिकार के लिए आप लोग आए हुए, अपने अधिकार के लिए, अपने उत्थान के लिए, में अधिकार मिले और समाज में सामाजिक राजनैतिक और आर्थिक सभी संरक्षण हम भी चाहते हैं, जागृत होना चाहते हैं, होना चाहते करना चाहते हैं, और यही मेरा उद्देश्य है यहाँ पर। जो कैसे होगा सब चीज़? तो हम लोग सरकार से मेरी मांग है कि हमें यहाँ पे हमने मंत्री से बात की जो मुख्य अतिथि है, तो बोल रहे हैं कि सबका एक ही उपाय है कि लोग शिक्षित हो, शिक्षा बनेगा तो हो जाएगा। वही दूसरा सब देख रहे हैं कि इधर चेतना की बात हो रही है समाज का, उधर पखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो लोग कहाँ कहाँ है, बहुत है लोग है, देखिए आप दिखाइएगा तो ना वीडियो में। पैरेलल चल रहा है, अभी देखिए वहाँ पे चल रहा है, ढोल बज रहा है। लोग का अपना काम वो भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं ठीक। जो तो ठग जो सब ठगता है ब्राह्मण पंडित सब पूजा के नाम पर, वो तो गलत है ना। स्टेशन पर जाइएगा तो बांध देता है जान, अलाव पैसा तो बांध के। यहाँ पर वो नहीं हो रहा, अपना आस्था से वो कर रहा है, कोई मजबूरी नहीं है, कुछ को ठग नहीं रहा है, जिसको इच्छा से कर रहा नहीं ऐसे नहीं करेगा। ये बात चढ़ावा जो इस इच्छा से दे रहा है ना, कोई जबरदस्ती नहीं है ना, कोई कह रहा है कि तुम जबरदस्ती करो, इच्छा है तो कर, रास्ता सपना कर रहा है। लेकिन अभी आगे बढ़ना है तो जरूरी वो है कि पढ़ाई लिखाई है, दोनों जरूरी है, भगवान का नाम लेना जरूरी है, शिक्षा का नाम लेना जरूरी है। भगवान को मना नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पर अजीब ढोल बजाया जा रहा है, लोग जो गाना गा रहा है, जो विधि है भगवान की पूजा करने वो लोग कर रहे हैं अपना। साथ साथ मांग भी कर रहे हैं, अपन शिक्षा के उत्थान भी कर रहे हैं, सरकार से भी मेरी मांग है कि हमको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सब आरक्षण हमको भी मिले। तो हम समझ रहे हैं, वो तो मिलना चाहिए, अधिकार है आपका संविधान। हाँ, लेकिन मिला नहीं है आरक्षण का फायदा कोई किसी को भी, बहुत कम समुदाय को मिला है, खासकर तो ईबीसी में। तो हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग सरकार से मांग करेंगे और अपने समाज के लिए भी काम करेंगे तो मिलेगा हमें। आप क्या कहेंगे? मुंगेर से। क्या लग रहा है कि 70 सालों में आप लोगों को अधिकार नहीं मिला? नहीं सर, नहीं मिला। हक देख लीजिए ना, अब क्या कीजिएगा, क्या रास्ता होगा? हम लोग को यही अति है, बाल बच्चा को पढ़ावे, शिक्षित करें, और जब शिक्षित होगा तब जो कह रहे हैं कि जो है आरक्षण मिलेगा, तब आरक्षण का फायदा हम लोग ले सकेंगे।
जब शिक्षित बनेगा हमारे बाल बच्चा तब आरक्षण से फायदा होगा। आरक्षण मिल जाएगा और बाल बच्चा को नहीं पढ़ाएंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ से जब जाइएगा तो क्या कीजिएगा अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए? समाज में जा करके बाल बच्चा को कहेंगे कि पढ़ाएंगे, पढ़ाओ, और जब शिक्षित बनेगा तभी जा करके जो है अधिकार अधिकार जानेगा, संविधान पढ़ेगा, तब जा करके इसको जो है मिलेगा आरक्षण। आजादी के बाद पहली बार आप लोग बिन बेलदार समाज चेतना मंच यहाँ कर रहे हैं, इतना देर कैसे लगे आप लोग? हम लोग में शिक्षा का अभाव था, एकता नहीं थे, नहीं घूर घूर का कोई जागृत करते थे, जाए के वही पड़े हुए थे। अब जागरूकता आ रही है, हाँ, अब जो है गणेश बाबू चल करके सभी 38 जिला में घूर घूर करके सबको समझाए कि एकता बनो, एकता में बल है, समाज में बल है, जब शिक्षित हो गए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बिंद बेलदार, जिंदाबाद, बिंद बेलदार समाज के कितने विधायक इस सरकार में? ये तो हमको मालूम नहीं है सर, कितने विधायक को देखा? वही तो बोल रहे हैं कि हम लोग राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, हम लोग को समाज से है ही नहीं, जो कि परसेंटेज में अच्छा खासा संख्या, हम लोग 15-20% अच्छा खासा संख्या है, लेकिन कुछ भी प्रेजेंटेशन नहीं है हम लोग का, सर राज्य सरकार में केंद्र सरकार में कहीं भी नहीं है। अब वोट नहीं, अधिकार चाहिए, अधिकार भी चाहिए, कहना चाहिए भाई, सब ले रहा है, हम लोग मांग रहे हैं, सबसे छीन के बैठा हुआ हक ले लेता है, हम मांगेंगे नहीं, लेंगे अपना हक लेंगे। हमने के सर बात ऐसा है कि हमको मतलब 52 बरस उम्र हो गया, 52 बरस में आज तक बिंद बेलदार का नाम जानता है कोई? इतना बड़ा सरकार हो गया, इतना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना, बाकी बिंद बेलदार के नाम अभी तक ये को नहीं जाना। पूरा अहरा पोखरा सड़क बिंद बेलदार मिलकर बना दिया, बाकी एक आदमी के नहीं पता चला कि कहाँ बिंद बेलदार किसको कहा जाता है, पूरा जात के पता चल गया, सब जाते धरती पर एक नंबर जात है, बाकी बिंद बेलदार के नाम अभी तक पता चला? बिंद बेलदार के तो नाम पता नहीं चला, तो ठीक है सबको तो पता चल गया भाई, बिंद बेलदार रोड सड़क पोखरा इतना खा दिया कितना बरस आगे से, जब नाम नहीं जानता है तो हमने कहाँ है, कुछ में हमने के नामे नहीं आ रहा है भाई, तो हमने सब काम कर दिए, पूरा रोड बना दिए, अब मशीन से ना बन लगा मशीन से रोड पोखरा, पहले तो बेलदार बना है, बेलारे मतलब डेली कुदारी बोझ के छोटा से लेके जवान तक, बच्चा से लेके बूढ़ा तक 5 रुपया मिलता था खुराकी, जब से हमको याद है जब से मतलब रोड पोखरा बना, बाकी आज तक बेलदार बिंद के नाम अभी तक इतिहास में नहीं आया। ये जागृत हुआ कि बिंद बेलदार का नाम कहाँ गया भाई, दुनिया में वो पखाना बिगड़ा उसको नाम है, अब बिंद बेलदार कहाँ गया? लेकिन आज अधिकार चाहिए, हाँ हमने को सर अधिकार चाहिए, कहा कि अब तो जागृत हो गया था, पहले से नाम नहीं था, तो अब नाम हमको नाम आ गया जी, कम से कम तो नहीं कि याद नहीं, तो याद आ रहा है कि जो सरकार है उसको याद करिए कि बिंद बेलदार कैसा होता है कि नहीं है, कम से कम नाम है ना कि वो भी सरकार भी समझे कि बिंद बेलदार है, बाकी इतना उम्र बीत गया 50 बरस उम्र, अभी तक बेलदार बिंद के नाम नहीं, कोई नहीं धरती पर जाना, इतना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गया, बाकी अभी तक कोई पता नहीं है। आप लोगों के नेता कौन है बिंद बेलदार? बिंद बेलदार के मतलब नेता है मतलब वो है नहीं, बाकी हमने उतना पता नहीं है तो नहीं बता सकते। पिछड़ा हुआ है राजनीतिक तौर, हाँ पिछड़ा हुआ है। डीएम कलेक्टर कितने आपके जाति के? नहीं है, है मतलब संख्या कम है, संख्या कम नहीं है, मतलब जानने वाले आगे बढ़ने वाला कम था, नाम नहीं जानता था बिंद बेलदार के, पिछवाल था, आप भी पकड़ के रख सकते हैं, वो भी पकड़ के रख रहे हैं कि हमको साथ आवो, हमको साथ में रहिए, हम ही कर देंगे वो कर देंगे, वोट लेने बाद तो 1000 को है, वोट लेने बाद सब वोट ले रहा है, बाकी हम लोग काम नहीं कर रहा है, आगे बढ़ा नहीं रहा, तो हमने समाज में सोचे कि चलो भाई जब बिंद बेलदार का नाम नहीं था, मान लिया बोल दिखाओ कहूँ चल के आगे आप बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ है, कलेक्ट्रेट में आप लोग कितना संख्या है, न्यायपालिका में कितनी संख्या है, विधायकी में क्या है संख्या? संख्या तो हम लोग के बहुत कम है, हम लोग के जागरूकता कर रहे हैं, गणेश बाबू जागरूकता कर रहे हैं, एकता मंच बना रहे हैं, हम लोग के जागरूकता जागरूक रहेगा हमेशा के लिए, हम एक मंच के खड़ा रहेंगे, जहाँ भी बिंद नोनिया के एकता होगा वहाँ पर हम जाने का कष्ट करेंगे। बिहार में बिंद बेलदार की कितनी संख्या? बहुत संख्या है, बाकी एकता नहीं है, एकता करने के लिए गणेश बाबू ने एकता के मंच पटना में गांधी मैदान में रखे हैं, इसीलिए हम लोग 15-16% मतलब है, मतलब
तो आप लोग का अधिकार चाहिए, हम लोग का अधिकार चाहिए, हम लोग का आरक्षण रुका हुआ है, ये आरक्षण रुका है। बंगाल में चल जाइए आरक्षण है, दिल्ली में चल जाइए आरक्षण है, बाकी बिहार में आरक्षण नहीं है। इसीलिए हम लोग एकता के जरूरत है, हम लोग आरक्षण लेकर रहेंगे। आप लोग का नेता कौन है, बिहार में कोई मंत्री है? नेता तो अभी हमें फिलहाल तो मुकेश सहनी थे रहे थे, अभी उनको पद हटा गया, उनको छीना गया था छोटा जात के छलके से लिए के लिए, उसके लिए हम लोग बहुत प्रयास किए हैं, करते रहेंगे। अगला बार उनको डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं हम लोग बिल मेलदार लोग सब लोग मिलकर हम लोग नेता बनाना चाहते हैं। मंत्री है जी सहनी? हाँ, मुकेश सहनी जी से बात। मदन सहनी? मदन सहनी भी भाई बहुत बढ़िया है आदमी, एकता है जदयू में है, उनको है, बहुत बढ़िया नेता है, इज्जत मिलता है। हम उसके साथ हैं, मेरे हम जो आरक्षण के बिल समुदाय के आरक्षण के बात करेगा हम उसके साथ हैं। अभी पद यात्रा किए थे मदन सहनी, मदन सहनी अभी पद यात्रा किए थे बात किए थे, लेकिन उनको अभी अभी लोकसभा हो विधानसभा में बात अभी नहीं रखे हैं, उनको डर लगता है कि अगर बात रखेंगे तो हम लोग को जो पद छीन लिया जाएगा। पद का डर लगता है, पद जाने का? हाँ, पद डर लगता है जाने का, इसलिए नहीं बोलते हैं। क्योंकि मुकेश सहनी ने आवाज उठाया कि बिन समुदाय के लिए आरक्षण के लिए आवाज उठाया, उनको लिंगेट करके उनको निकाल दिया गया, उनको साल छल किया गया। हम उससे अच्छा एक बेहतरीन नेता को हम जो मेरे अधिकार के लिए लड़ेगा उनको हम लोग बिन समुदाय उनको साथ हम संकल्पित रहेंगे। अधिकार चाहिए? हाँ, अधिकार चाहिए। देखिए पटना के गांधी मैदान में इस वक्त मौजूद है, तस्वीरें देखिए, बिन बेलदार समाज के लोग जो हैं यहाँ पर आज एक सम्मेलन कर रहे हैं, और इनका कहना है कि हमारा जो प्रतिनिधित्व है बहुत कम है लोकसभा में, राज्यसभा में, न्यायपालिका में, विधायिका में, लेकिन अब हमको अपना अधिकार चाहिए, अपना हक चाहिए। लंबे समय से हम लोग सिर्फ वोट देते आए हैं, लेकिन अब हम लोग वोट लेंगे और अपना अधिकार, अपना पद लेंगे।